गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग एंड वेलकम टू आर चैनल। आज सैटरडे है और मैं अलार्म स्नूज कर करके बहुत ही आराम से उठी हूँ। आज ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाना है वो मैं सोच रही थी, तो आज फाइनली डिसाइड हो गया है कि ए शेम मुंह में नहीं डालेगा इसको। चिकू भी आज एकदम आराम से उठा है और आज ब्रेकफास्ट में हम बना रहे हैं भाजनी का डोसा। तो ये वही भाजनी है जिसके बारे में हमने बताया था और इसे बहुत सारे फॉर्म्स में बना सकते हैं। देखिए ये ऐसे बहुत ही अच्छा क्रिस्प डोसा बनता है। तो ये भी बलून अनन्या के लिए हम ढूंढने के लिए पूरा जंगली महाराज रोड घूमे और रात को वो हमारे रूम में रह गया था और अचानक फूट गया और अनन्या को आज दिखा तो अनन्या थोड़ी सैड है, बट ठीक है चिक्कू बाबा दूसरा वाला बना के देगा। ये ले कब तक ब्रेकफास्ट का, देखो भूख लगा इसलिए यू क्राइंग। ये ले, हाँ चलो क्या लेगा उसके साथ, हाँ फिर रोने का क्या है इसमें। बस खुश चल जल्दी स्लो मोशन पोची पटापट फास्ट फास्ट नडप ओवर एक्टिंग। तो सुबह जो पनीर की सब्जी बनाई थी सबको बहुत पसंद आई, तो बहुत कम बचा है, बहुत ही ज़्यादा नहीं है जो शाम के लिए भी होगा हमारा खाना। तो फिर मुझे एक आइडिया आया, काफ़ी दिन से हमने फ्राइड राइस नहीं बनाया, तो आते आते मैं फिर चावल लेके आई, इंडिया गेट बासमती राइस। ये पहले का पैकेट था, एक दूसरा पैकेट वहाँ पे लेके आई हूँ। फिर सोचा कि वाई नॉट मेक सम शेजवान फ्राइड राइस। तो ये चिंग्स का जो शेजवान फ्राइड राइस मसाला है वो घर में था एंड चावल डायरेक्ट कुकर में हो गया है। तो वेजिटेबल ज़्यादा नहीं है घर में अनफॉर्चुनेटली, थोड़ा सा कॉर्न है, एकदम थोड़ा सा गोभी है, गोभी पत्ता गोभी, हाँ। तो सोचा फिर उसी से बनाया जाए जितना है उतने में। और ये तो वैसे भी विदाउट मच वेजिटेबल भी अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे ऑयल में पहले अनियन फ्राई हो रहा है, फिर ये डालेंगे, फिर थोड़ा सा कॉर्न डालेंगे, फिर कुकर वैसे थोड़ा हल्का हल्का गर्म हो जाएगा आई एम होपिंग। तब तक सब्जी को सौते कर लेते हैं अच्छी तरह से एंड रेडी करते हैं अपना फ्राइड राइस। बहुत दिन से ऐसे कुछ अलग खाने का मन कर रहा था, रोटी सब्जी का बहुत बोर हो गया था, तो कुछ नॉनवेज भी नहीं है खाने को, वेज ही खाना होता है। तो इसके लिए फिर ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है कुछ तो अलग, तो इसलिए अब ये रेडी होगा। शाम को मैं और दीप्ति ताई, आज दीप्ति ताई आए थे क्योंकि उनको कुछ काम था, फिर मैं और दीप्ति ताई को शॉपिंग के लिए गए थे क्योंकि नेक्स्ट संडे हमारे जो काका है उनका षष्ठी है, 61st बर्थडे, षष्ठी 60th और 61st समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एंड दैट सेलिब्रेटेड रियली बिग। तो उनके लिए और काकी के लिए कुछ गिफ्ट लेने गए थे, तो वो काम हो गया है हमारा। और आज बच्चों ने तो बहुत धमाल किया है एंड अनन्या ने आज दोनों टाइम होमवर्क किया है, ईरा आने से पहले और ईरा जाने के बाद। तो आई के साथ बैठा के होमवर्क कर दिया, तो अभी वो बैठ के डोरेमोन देख रही है, उसका फेवरेट शो, और एप्पल खा रही है, भूख लगी है चीज, तो सोचा थोड़ा सा ये खाना बन रहा है तब तक थोड़ा एप्पल खा ले। और ऐसा सब आज थोड़ा लॉट ऑफ एक्साइटिंग काम हुआ है, तो अब वेजिटेबल सॉटे करते हैं एंड जब पूरा रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाया। तो राइस बन के रेडी है, विराज कैसा लग रहा है? थोड़ा स्पाइसी है। हाँ वो थोड़ा स्पाइसी बनाने तो वेज में फिर थोड़ा वो बहुत ही ज़्यादा, और अंडा नहीं है, अब क्या कर सकते, एक वीक और 3 वीक तो हो गए, एक वीक के बाद थोड़ा नॉन वेज खा सकते हो घर में गणपति आने से पहले। तो अनन्या का खाना खा के हो गया है, आई और मैं अब खाना खाएंगे, विराज का चल रहा है। सो इसी के साथ आज का ये व्लॉग होता है समाप्त और आज का ये दिन भी होता है समाप्त। आई होप आप सभी को हमारा ये व्लॉग पसंद आया, हो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट, ऑल्सो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट। कल वापस मिलेंगे, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड नाइट, बाय।